हाय हेलो एंड वेलकम टू टेन लाइज़। मैं हूं आपका होस्ट विवान। एक न्यूज एजेंसी ने किया सैफ को बदनाम। अब सैफ उस न्यूज एजेंसी को सू करके करना चाहते हैं उनका काम तमाम। राखी सावंत काटना चाहती है संजय दत्त के बदले जेल में सजा, या फिर ले रही है वो पब्लिसिटी का मजा। साजिद खान ने कहा कि वो एक अच्छे बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैकलिन ने कहा कि द रिलेशनशिप हैज कम टू एन एंड। जूसी ताजा खबरें और भी है, बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेन लाइज़ नंबर 10। टेंडलाइन नंबर 10 बने हैं सैफ अली खान, जो सू करने जा रहे हैं एक न्यूज एजेंसी को फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स। यस, एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि ये लखनऊ एयरपोर्ट पर सैफ अली खान ने सिक्योरिटी वालों के साथ बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट कर लिया, लेकिन सैफ इसे मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। मोर ऑन दिस राइट हियर राइट नाउ। न्यूज एजेंसी ने यह रूमर फैलाया कि सैफ अली खान की लखनऊ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी से तो मैं हो गई। इस न्यूज एजेंसी का कहना है कि सैफ गलती से वीआईपी लाउंज में बैठे थे, और जब सिक्योरिटी वालों ने वहां से उठने को कहा तो सैफ आग बबूला हो गए और एयरपोर्ट अथॉरिटी से झगड़ पड़े। जब सैफ को इस खबर का पता चला तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि एक बेसलेस रूमर है और मेरी किसी के साथ बहस नहीं हुई। इनफैक्ट इट वॉज अ पोलाइट कॉन्वर्सेशन। मेरे दोस्त विवेक आनंद इस एयरपोर्ट के जॉइंट जनरल मैनेजर है और हमने साथ में चाय भी पी। अब मैं इस ओवर जीलस रिपोर्टर और इस न्यूज एजेंसी को सू करने की सोच रहा हूँ। सैफ इस बात से अपसेट है कि ऐसे रूमर्स उनके इमेज को डैमेज करते हैं। वी अग्री सैफ कि मीडिया ने मन घड़त कहानियां नहीं बनानी चाहिए, बट यू कांट डिनाई दैट योर रेप्यूटेशन प्रीसीड्स यू। पिछले साल सैफ ने गुस्से में आकर एक NRI की नाक तोड़ दी, तब उनके रेपुटेशन पर दाग नहीं लगा, उल्टा उनका भाग खुल गया। ढेर सारी एडवर्टीजमेंट उन्हें एंडोर्स करने को मिल गई, पर अब शादी के बाद सैफू अपनी इमेज को लेकर सैफ रहना चाहते हैं। टेंडलाइजर नंबर 9 बनी है दीपिका पादुकोण, जो रणबीर कपूर से अपने रिश्ते को फ्लॉन्ट भी कर रही है और पूछे जाने पर मना भी कर रही है। शी इज इन डिनायल, पर बॉयफ्रेंड रणबीर ने मीडिया को नहीं करने दिया अपनी गर्लफ्रेंड को घायल, सॉरी एक्स गर्लफ्रेंड। चेक इट आउट। दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के साथ एक स्पेशल बॉन्ड जरूर शेयर करती है, लेकिन मीडिया ने उन्हें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पर कुछ परेशान कर दिया। लकीली एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर ने सिचुएशन को संभाल लिया। जवानी दीवानी के एक ट्रेलर लॉन्च पर एक नोजी रिपोर्टर ने दीपिका को पूछा कि उन्होंने अभी तक रणबीर का टैटू क्यों पहन कर रखा है, जबकि उनका ब्रेकअप हो चुका है। इस सवाल पर दीपिका हक्का बक्का रह गई, लेकिन रणबीर ने तुरंत जवाब दिया कि ये बेहुदा सवाल है। इवेंट के बाद दीपिका इमोशनल हो गई और रणबीर का शुक्रिया अदा भी कर दिया। दीपिका के दोस्तों का कहना है कि रणबीर से भले ही उनका ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन आज भी वो रणबीर को स्पेशल समझती है। इस बार तो रणबीर ने आपको मीडिया के बेतुके सवाल से बचा लिया, लेकिन अगली बार दीपिका आपको शायद मुश्किल सवालों के जवाब खुद देने होंगे। दीपिका आज भी समझती है रणबीर को स्पेशल, लेकिन इस चक्कर में वो मिस कर रही है खास पल। दीपिका हमारी मानो, प्रेजेंट में जियो, भूल जाओ अपना कल। विदाउट अ न्यू रोमांस आपकी जिंदगी जरूर बन जाएगी डल। टेंडलाइन नंबर 8 बनी है गैंग्स ऑफ वसेपुर फेम हुमा कुरैशी, जिन्होंने इमरान हाशमी को किस करके ये कहा कि फाइनली मुझे मेरी टक्कर का कोई मिल गया। इसे कहते हैं नहले वे दहला। हियर इज अ जूस ऑन दिस वन। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी गैंग्स ऑफ वसेपुर के उनके रेवोल्यूशनरी रोमांटिक और हॉट बेडरूम सीन के लिए फेमस हो गई है, और अब हुमा ने अपनी अदा और हुनर का जादू इंडस्ट्री के किसिंग सेंसेशन इमरान हाशमी पर चलाया है। सोर्सेज की माने तो फिल्म एक थी डायन में इमरान और हुमा का किसिंग सीन शूट होने जा रहा था। सभी इंतजार कर रहे थे कि किसिंग सेंसेशन इमरान हीरोइन हुमा को कम्फर्टेबल महसूस कराएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हुमा ने बिना परमिशन के पहल की और लिप लॉक को यादगार बना दिया। बाद में हुमा ने कहा कि फाइनली मुझे कोई अपनी टक्कर का मिल गया। 8 फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद लगता है हुमा बहुत जल्द कमर्शियल फिल्मों के दांव पेच भी सीख गई है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो हुमा इमरान को किस करने से पहले गा रही थी नरवासो नहीं मुरा, मैं तुम्हें किस करूंगी पूरा।
पर सीरियसली हुमा वॉन्ट्स टू प्रूव दैट शी इज जस्ट नॉट अ फ्लैश इन द पैन एंड इवन इन द किसिंग डिपार्टमेंट शी कैन कम्पीट विद एनी मैन। टेंट लाइन नंबर 7 बने रणबीर कपूर, जो शायद सलमान खान से डर गए हैं। अपेरेंटली सलमान की फिल्म मेंटल और रणबीर की फिल्म बेशरम, क्या नेम है ना, बेशरम मेंटल, बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने के पूरे चांसेस हैं और रणबीर को कोई भी चांस नहीं लेना है। तो डायरेक्टर अभिनव कश्यप लेकिन वो जिद पे अड़े हुए हैं कि रिलीज डेट को वो चेंज नहीं करेंगे। चेकआउट द फुल स्टोरी। रणबीर कपूर एक पॉपुलर स्टार है लेकिन अब भी सलमान खान की बॉक्स ऑफिस पर पकड़ है, इस बात को रणबीर अच्छी तरह समझते हैं। हाल ही में रणबीर ने अपनी फिल्म बेशरम के डायरेक्टर अभिनव कश्यप को सजेस्ट किया कि वो अपनी फिल्म बेशरम की रिलीज डेट चेंज कर दे। दरअसल सलमान की फिल्म मेंटल भी अक्टूबर 2 को रिलीज होने वाली है। रणबीर का कहना है कि डायरेक्टर अभिनव ने डेट को शिफ्ट करने की जरूरत महसूस नहीं की। रीजन, अभिनव सलमान को बॉक्स ऑफिस पर हम्बल करना चाहते हैं। सब जानते हैं कि अभिनव को दबंग 2 से निकाला गया था और अब वो रणबीर के कंधे पर बंदूक रखकर वीर सलमान पर तीर चलाना चाहते हैं। रणबीर एक ऑकवर्ड सिचुएशन में है क्योंकि सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना अपेरेंटली अब उनकी करंट गर्लफ्रेंड हो गई है। ऐसे में रणबीर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। अब देखना यह है कि क्या रणबीर अभिनव को डेट चेंज कराने के लिए मना लेते हैं या फिर बॉक्स ऑफिस पर दूध का दूध पानी का पानी होने का इंतजार करते हैं। रणबीर का कटरीना के साथ अफेयर नहीं है अब कोई राज और इसे दबंग खान है नाराज। रणबीर नहीं मलना चाहते सलमान के जख्मों पर और भी नमक और उनके साथ फिल्म रिलीज करके ही डज नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल हिज लक। रणबीर इज स्मार्ट, ही नोज व्हेन टू हिट एंड व्हेन टू डक एंड सलमान जस्ट डजंट गिव अ। टेंट लाइन नंबर 6 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जो अपेरेंटली सनी लियोनी के साथ खुद को कंपेयर होता देख नाराज हो गई है। आफ्टर ऑल एक पॉर्न स्टार और एक बॉर्न स्टार का क्या कंपैरिजन, चेक इट आउट। रूमर मॉन्गर्स की माने तो प्रियंका चोपड़ा पॉर्न स्टार सनी लियोनी के आइटम नंबर से हो गई है इनसिक्योर। शूट आउट एट वडाला फिल्म में प्रियंका ने बबली बदमाश नाम का एक आइटम नंबर सॉन्ग किया है और इस फिल्म में पॉर्न स्टार सनी लियोनी ने भी एक आइटम नंबर में अपने जलवे बिखेरे हैं। इस फिल्म के ई इन्वाइट पर प्रियंका का चेहरा नहीं है, इस बात को लेकर भी शायद प्रियंका नाराज है। इस इन्वाइट पर सनी और प्रियंका का नाम एक साथ होने की वजह से प्रियंका को डर है शायद उन्हें सनी लियोनी से कंपेयर किया जाएगा। लेकिन प्रियंका के स्पोक्स का कहना है कि ये बिल्कुल सच नहीं है। Why would Priyanka, a huge star, be insecure about Sunny Leone? सच क्या है और झूठ क्या है ये तो सिर्फ प्रियंका ही जानती है। लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि सनी लियोनी की इस फिल्म में आइटम नंबर करने से मेल ऑडियंसेस का अटेंशन डिवाइड जरूर हो जाएगा। प्रियंका चोपड़ा को लग रहा है सनी लियोनी के बोल्ड मूव से डर, सनी से कंपैरिजन होगा तो गिर जाएगा उनका स्तर। फिकर नॉट पिगी चॉप, सनी के पहचान बनी है एज अ पॉर्न स्टार लेकिन आपके टैलेंट को रिस्पेक्ट करता है हिंदुस्तान का हर परिवार। टेंडलाइज नंबर 5 बने अमिताभ बच्चन, जिनके घर से हो गई है चोरी फिर से एक बार पूरे 25,000 रुपए की। क्या पूरे 25,000 रुपए चोरी? मुझे तो लगा था 25,000 रुपए अमित जी के पालतू कुत्ते की पॉकेट मनी होगी। पिछले साल अमित जी के बंगलों में एक चोर घुस आया था और उसने चोरी की थी पूरे 8,000 रुपए की, यानी अभिषेक के साइनिंग अमाउंट की। लेकिन इस बार चोर शायद सीनियर था इसलिए बच्चन जी के घर से उन्होंने पूरे 25,000 रुपए चुरा लिए। पुलिस ने अमित जी के डोमेस्टिक स्टाफ को हिरासत में ले लिया है। 5 वर्कर्स में से 2 को रिहा किया गया और 3 जिसे पूछताछ हो रही है। अमित जी के परिवार ने FIR नहीं किया है, शायद वो इस मामूली बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट नहीं करना चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि अमित जी को उनके 25,000 रुपए जल्द मिल जाए। अब जब भी घर से निकलना तिजोरी पर ताला जरूर लगा लेना। हेडलाइन नंबर 4 बने जैकलिन फर्नांडिस, जो अब साजिद खान से पीछा छुड़ाना चाहती है। इट सीम्स दैट जैकलिन इज फीलिंग सफोकेटेड इन द रिलेशनशिप। लगता है ये कठपुतली साजिद के हाथों से फिसलने वाली है।
जैकलिन फर्नांडिस को हो रही है घुटन। रीजन बॉयफ्रेंड साजिद खान उनके करियर और लाइफ को कर रहे हैं कंट्रोल। पहले जैकलिन और साजिद साथ साथ हर इवेंट और फंक्शन में दिखाई देते थे, लेकिन आजकल वो दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। साजिद बिजी हैं अपनी फिल्म हिम्मत वाला को लेकर और जैकलिन ने तय किया है कि वो अपनी फिल्म करियर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगी। पहले कभी दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। अपेरेंटली साजिद जैकलिन के पेरेंट्स भी मिले थे, लेकिन रूमर मॉन्गर्स की माने तो जैकलिन ने अपने दोस्तों से कहा है कि साजिद बहुत ही पोजेसिव और कंट्रोलिंग है और उन्हें इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। We hope that you can step out of Sajid's shadow and carve a niche for yourself, Jacqueline. जैकलिन साजिद के साथ शादी करती तो उनका घर होता बच्चों से हाउसफुल, लेकिन जैकलिन ने कर दिया साजिद का डब्बा कुल। क्या आप जानते हैं कि साजिद खान की लेटेस्ट फिल्म हिम्मत वाला में हीरो एक सीन में एक ही डायलॉग पांच भाषाओं में बोलेगा, लेकिन टेंट लाइज पर एक ही भाषा चलती है जो सबको समझ में आती है और वो है बिभाषा गॉसिप की भाषा। सो सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। रीकैप ऑन टेंट लाइज। एक न्यूज एजेंसी ने यह रूमर फैलाया कि सैफ अली खान की लखनऊ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी से तू तू मैं हो गई। जब सैफ को इस खबर का पता चला तो उन्होंने क्लेरिफाई किया कि एक बेसलेस रूमर है। जवानी दीवानी के एक ट्रेलर लॉन्च पर एक नोजी रिपोर्टर ने दीपिका को पूछा कि उन्होंने अभी तक रणबीर का टैटू क्यों पहन कर रखा है, लेकिन रणबीर ने तुरंत जवाब दिया कि ये बेहुदा सवाल है। हुमा ने अपनी अदा और हुनर का जादू इंडस्ट्री के किसिंग सेंसेशन इमरान हाशमी पर चलाया है। हुमा ने बिना परमिशन के पहल की और लिप लॉक को यादगार बना दिया। हाल ही में रणबीर ने अपनी फिल्म बेशरम के डायरेक्टर अभिनव कश्यप को सजेस्ट किया कि वो अपनी फिल्म बेशरम की रिलीज डेट चेंज कर दे। सलमान की फिल्म मेंटल भी अक्टूबर 2 को रिलीज होने वाली है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो प्रियंका चोपड़ा पॉर्न स्टार सनी लियोनी के आइटम नंबर से हो गई है इनसिक्योर। प्रियंका को डर है शायद उन्हें सनी लियोनी से कंपेयर किया जाएगा। पिछले साल अमित जी के बंगलों में एक चोर घुस आया था और उसने चोरी की थी पूरे 8,000 रुपए की, लेकिन इस बार चोर शायद सीनियर था इसलिए बच्चन जी के घर से उन्होंने पूरे 25,000 रुपए चुरा लिए। जैकलिन फर्नांडिस को हो रही है घुटन। रीजन बॉयफ्रेंड साजिद खान उनके करियर और लाइफ को कर रहे हैं कंट्रोल। टेंट लाइज मसरी बनी है विद्या बालन, जो अब चार्ज करना चाहती है कटरीना और करीना जितनी फीस, लेकिन एक एड कंपनी ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। पहले तू वजन कम करके आ। Check it out. माना कि विद्या बालन है बॉक्स ऑफिस क्वीन, उनके लेटेस्ट फिल्म्स डर्टी पिक्चर और कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया, लेकिन अब विद्या हो गई है ओवर कॉन्फिडेंट। उन्होंने एक टेलीफोन कमर्शियल के लिए मोटी रकम मांग ली। सोर्सेज की माने तो ये रकम कटरीना कैफ और करीना कपूर से भी ज्यादा थी, लेकिन इस एड एजेंसी ने विद्या के इस कोटेशन को रिजेक्ट कर दिया। शायद विद्या ये भूल गई है कि एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में आई कैंडी होना जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट में टैलेंट के साथ लुक्स भी जरूरी है, और शायद लुक, स्टाइल और ग्लैमर क्वेश्चन में कटरीना और करीना विद्या से एक कदम आगे हैं। शायद वक्त आने पर विद्या को भी उतनी ही फीस मिलेगी, पर फिलहाल हम उन्हें बता दें कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। पहले लोग कहते थे विद्या को आंटी, लेकिन बॉक्स ऑफिस और विद्या ने बजा दी सक्सेस की घंटी। विद्या सबर करो, आपको भी मिलेगी मोटी फी। बी पेशेंट। बट इजंट इट टाइम यू वर्क आउट ऑन योर ग्लैमर क्वोशेंट। ट्रेंड लाइन नंबर 2 बनी है राखी सावंत, जो पब्लिसिटी के लिए संजू बाबा के ट्रेजेडी को कर रही है इनकैश। राखी का कहना है कि संजय दत्त के बदले वो जेल में जाने को तैयार है। ओ जीसस, वन मोर चीप पब्लिसिटी स्टंट। चेक इट आउट। ड्रामा क्वीन राखी सावंत स्ट्राइक्स अगेन, दिस टाइम विद अ न्यू एक्ट। सोर्सेस की माने तो राखी संजय दत्त के लिए अपसेट हैं। संजय दत्त को जेल की सजा होने पर उनका दिल बैठ गया है और वो संजय के बदले खुद जेल जाने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू में रोते बिखलाते राखी ने कहा कि संजय का परिवार है और उन्हें इसलिए जेल नहीं भेजना चाहिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरी सिर्फ मम्मी है। राखी का ये भी कहना है कि मेरे लिए जेल में रहना और बाहर रहना एक ही बात है। राखी सावंत अक्सर करंट इश्यूज पर अपनी राय देती है और इसे लोग महज एंटरटेनमेंट की नज़र से देखते हैं, लेकिन राखी ने इस गंभीर मुद्दे पर अपनी ड्रामेबाजी से सबको हैरत में डाल दिया है।
कुछ लोग सोचते हैं फिर बोलते हैं, राखी बोलने के बाद भी नहीं सोचती। राखी, शायद आपको लग रहा है आपने एक्सप्रेस किया है सही सेंटिमेंट, बट वी आर श्योर दैट यू नीड एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट। जिसकी जुबान पर काला दाग होता है उसकी कही हुई बात सच हो जाती है, लेकिन डेंटलाइज की जुबान से निकलने वाली हर बात सेंसेशनल हो जाती है। सो सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। कमिंग अप ऑन डेंटलाइज, सोर्सेस की माने तो हिम्मत वाला के सेट पर साजिद ने अपने डायरेक्शन टीम के 5 असिस्टेंट डायरेक्टर को बारी बारी जाकर हीरोइन तमन्ना को प्रपोज करने के लिए कहा। दरअसल साजिद सेट पर ऐसी शरारतें करते हैं रहते हैं ताकि सबका मूड खुशनुमा रहे और सभी यूनिट मेंबर्स एक परिवार की तरह काम करें। टेंटलाइज नंबर 1 बने साजिद खान, जिन्होंने अपनी फिल्म हिम्मत वाला के लिए हीरोइन तमन्ना को तंग करके अच्छी पब्लिसिटी बटोर ली है। साजिद ने अपने 5 असिस्टेंट डायरेक्टर को तमन्ना को प्रपोज करने को कहा एंड द इफेक्ट वाज हिलेरियस। हियर्स द जूस ऑन दिस वन। साजिद खान एंटरटेनिंग फिल्में बनाते हैं लेकिन अपने सेट पर भी एंटरटेनमेंट का मूड बनाए रखते हैं। सोर्सेस की माने तो हिम्मत वाला के सेट पर साजिद ने अपने डायरेक्शन टीम के 5 असिस्टेंट डायरेक्टर को बारी बारी जाकर हीरोइन तमन्ना को प्रपोज करने के लिए कहा। पहले तो तमन्ना इन प्रपोजल्स को लेकर शॉक हो गई थी, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि शरारत के पीछे डायरेक्टर साजिद खान का हाथ है। दरअसल साजिद सेट पर ऐसी शरारतें करते रहते हैं ताकि सबका मूड खुशनुमा रहे और सभी यूनिट मेंबर्स एक परिवार की तरह काम करें। वी होप दैट साजिद, आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर हमें आपकी फिल्म हिम्मत वाला में भी देखने को मिलेगा। कभी साजिद अपने हीरोइन को पटाते हैं तो कभी छेड़ते हैं और अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उल्टी सीधी चीजें भी बोलते हैं। एक इंटरव्यू में साजिद ने कहा कि जब तक मैं फिल्में बनाऊंगा मेरी हर फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करेगी। आई थिंक साजिद खान हैज एन आदत टू बोस्ट, लेट्स होप हिम्मत वाला बॉक्स ऑफिस पर ना हो जाए। तो कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि गॉसिप करना सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आंखों में चमक आती है और दूसरों के प्रॉब्लम सुनकर इंसान का अकेलापन दूर हो जाता है, और ये नेक काम हम हर हफ्ते करते हैं। सो कीप वॉचिंग डेंटलाइज ओनली ऑन जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।